नमस्कार दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि फानी साइक्लोन के बाद उड़ीसा की हालत कैसी हो गई है। साइक्लोन ने पूरी उड़ीसा को तबाह कर दिया है। साइक्लोन तो एक नेचुरल डिजास्टर है, उसे तो कोई रोक नहीं सकता, पर पूरी गवर्नमेंट ने, सरकार ने जितना हो सके अपनी तरफ से कोशिश की लोगों को बचाया जा सके। उड़ीसा में चारों तरफ तबाही का मंजर है। बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो चुके हैं। इन मुसीबतों से निकलने के लिए हमारा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रही है, पर हमारे ऊपर भी कुछ जिम्मेदारियाँ बनती है कि हम भी इंसानियत के तहत लोगों की कुछ ना कुछ तो मदद करें। इसीलिए स्टेट गवर्नमेंट हमारे लिए रास्ता खोल दिया है कि हम भी कुछ मदद कर सकें। अगर कोई भी इन पीड़ितों की कुछ मदद करना चाहते हैं तो चीफ मिनिस्टर ओडिशा के रिलीफ फंड में हम डोनेट कर सकते हैं। लेट्स रीबिल्ड ओडिशा टुगेदर के नाम से एक परियोजना शुरू किया गया है, जिसके तहत जो कोई भी चाहे उनके वेबसाइट पे जाकर www.cmrfodissa.gov.in के नाम से एक वेबसाइट खोला गया है। वहाँ पे उनका अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया गया है। इच्छा शक्ति के अनुसार हमसे जो बन पड़े हम डोनेट उन लोगों तक मदद पहुँच सकती है जिनकी उसको उस चीज़ की ज़रूरत है। तो मैं आप सब लोगों से यही दरख्वास्त करती हूँ कि आप लोग जितना बन पड़े अपने ओर से उतना हेल्प कीजिए और इस मैसेज को इतना शेयर कीजिए कि हर कोई मदद कर सके। और आप सब लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो के अंत में मैं एक तस्वीर लगाया है जिसमें अकाउंट नंबर और IFSC कोड दिया गया है। आप लोग चाहे तो वहाँ से आप अकाउंट नंबर और IFSC कोड कॉपी करके भी उन्हें डायरेक्ट भेज सकते हैं या फिर उनके वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट भी आप डोनेट कर सकते हैं। हरी अप गाइस, रियली कम ऑन, वी लेट्स ऑज रीबिल्ड ओडिशा टुगेदर की परियोजना को हम सफल बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए गाइस, प्लीज़। सबको मदद मिलनी चाहिए।